इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस के बारे में बात करेंगे आज। जो इन्वर्स है फंक्शन का, उसमें वो सारे पॉइंट्स हैं। बस ये समझ लीजिए कि जो एक्स वैल्यूज है और वाई वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाती हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन है जैसे 1 0, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वन है वाई ज़ीरो है, इसी तरीके से ये एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, तो जो इन्वर्स होगा इस फंक्शन का, आप इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए, यानी कि 0 1। अब एक्स क्या हो गया? 0, वाई हो गया 1, एक्स हो गया 0, वाई हो गया 1, एक्स हो गया 5, ये एक्स हो गया 5, और ये वाई हो गया, और ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, यानी कि इन्वर्स है फंक्शन का, इसमें एक्स और वाई रिवर्स हो गए, यदि आपको इस तरीके से पेयर दिए हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसने अपनी जगह चेंज की यहाँ, इसने अपनी जगह चेंज की यहाँ, और इसने अपनी जगह चेंज की यहाँ, ये इधर से उठ के यहाँ आया, ये इधर से उठ के यहाँ चला गया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपकी एक लाइन है जिसे हम इन्वर्स लाइन, रिफ्लेक्शन लाइन कहते हैं। तो अगर मैं एक एक्स वाई एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ, तो वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारी एक लाइन है जो आपके इन्वर्स को तय करती है। यानी कि यहाँ पर अगर ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है, वो एग्जैक्टली इसको मिरर समझ के यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ वैल्यू है तो इधर चली जाएगी। तो जो वर्ड है इन्वर्स, इसका मतलब होता है अपोजिट या रिवर्स। एफ इन्वर्स एक्स, यानी अगर आपको एफ इन्वर्स एक्स, इसको हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है इन्वर्स को, तो हम एफ इन्वर्स एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन का, ये इन्वर्स है किसी फंक्शन का, यानी कि अगर आपके पास एफ एक्स है, एक फंक्शन है, तो उसका इन्वर्स लिखते हैं, यहाँ ऊपर लगाते हैं -1 x। ध्यान रखिएगा कि ये कहीं भी 1 by f(x) के बराबर नहीं है। अगर आप x इन्वर्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है 1 by x, लेकिन ये इन्वर्स और ये इन्वर्स बिल्कुल अलग है, ये नहीं होता। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन है उसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं? हम x और y को स्विच कर देंगे, राइट? अगर एक इक्वेशन की बात करें तो यही आइडिया हम लगा सकते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, लेकिन एक स्टेप है, यानी कि ये कहें कि स्टेप वाइज प्रोसीजर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जहाँ पर आपका एफ एक्स लिखा हो, हम उसको वाई में तब्दील कर देंगे, उसके बाद एक्स की जगह वाई लिख देंगे और वाई की जगह एक्स लिख देंगे। ये पहला स्टेप हो गया, एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया आपने। दूसरा स्टेप हो गया, एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई की जगह एक्स लिखना है। और अब आपको वाई को एक जगह पे लाना है, बाकी चीज़ों को, यानी कि जो भी एक्स होगा उसको दूसरी जगह ले जाना है, यानी वाई को आइसोलेट करना, अलग करना है, एक तरफ लाना है इक्वेशन में, बाकी सबको एक तरफ लाना है। और आखिर में, क्योंकि आपने एफ एक्स को वाई लिखा था, तो लास्ट में क्योंकि एक्स और वाई चेंज कर चुके हैं, तो वाई आपका एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। जहाँ भी आपका वाई हो उसकी जगह आप एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इन्वर्स निकालते हैं कुछ फंक्शंस के, क्योंकि ये थ्योरी हो गई, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x-5। सबसे पहले स्टेप्स क्या करेंगे, इसमें हम इस एफ एक्स को वाई में बदल देंगे, तो अब इसकी जगह वाई लिख दिया, ये पहला स्टेप हो गया। अब एक्स की जगह वाई लिख देंगे और वाई की जगह एक्स लिख देंगे, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, y को हमको आइसोलेट करना है, y को एक जगह रखेंगे, बाकी सबको एक दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन है। तो इस 5 को इस तरफ ले जा सकते हैं, x माइनस 5 का x प्लस 5 हो जाएगा, ये 3y है। अब अभी भी आइसोलेट नहीं हुआ y, इसका मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड को, ताकि हम y पा सकें। ये 3 से कट गया, आपका y हो जाएगा x प्लस 5/3। तो y हो गया x प्लस 5/3। आखिर में इस y को आपको f इनवर्स x लिख देना है, और यही आपका इनवर्स है, x प्लस 5/3। अब यदि आपको इन्वर्स निकालना है, क्योंकि ये जो फंक्शन था वो लीनियर फंक्शन था, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है x²+3, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू x²+3 को समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो एफ एक्स जिसको हम वाई लिखने वाले हैं, ये क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अगर इस थ्री का भी मैं इग्नोर कर दूँ तो वाई हो गया एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, ये एक पैराबोला का फंक्शन है, ये आपका पैराबोला हो गया, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस थ्री इसके साथ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है तीन है, इसलिए ये पैराबोला है। अगर मैं एक लाइन बनाऊँ वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका इन्वर्स कैसा होना चाहिए, अगर मैं मिरर इसका इमेज बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ओके, अब देखिए क्या क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, वाई की जगह एक्स डाल दिया, एक्स की जगह वाई डाल दिया, तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री। अब वाई को आइसोलेट करना है, यानी कि तीन को इधर ले जाइए, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, दोनों जगह स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, ये तो आपका इससे कट जाएगा, वाई हो गया अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री। बल्कि अगर मैं आपको सही बताऊँ तो ये प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस थ्री है, ये जो पोर्शन है ये आपका अंडर रूट एक्स माइनस थ्री है, ये जो पोर्शन है आपका माइनस अंडर रूट एक्स माइनस थ्री है। ओके, तो यहाँ पर हमको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहीं पे अगर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस थ्री लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे इनवर्स पूछा गया है। लेकिन आप देखिए कि इस फंक्शन को देखिए और इस फंक्शन को देखिए, लास्ट में हमको वाई को एफ इनवर्स एक्स में हमने रिप्लेस किया, तो इस फंक्शन को देखिए और इस फंक्शन को देखिए, इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका डोमेन ये है कि हम कोई भी वैल्यू एक्स में डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। रेंज की बात करें तो आप देखिए कि कोई भी वैल्यू आप डालें, चाहे जीरो डालें, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा आप माइनस वन लें, वन लें, आप टू लें, माइनस टू लें, हमेशा ये जीरो से बड़ा ही रहेगा, जीरो भी डालें तो जीरो रहेगा, इसका मतलब ये तीन से हमेशा ऊपर रहेगा, यानी कि जो भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी तीन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो अगर ये जीरो भी है तो तीन से ऊपर ही रहेगा, तो इसका ऐसा है कि वाई बिलोंग टू आर, आपके रियल नंबर्स है, और वाई हमेशा या तो बराबर होगा तीन के जब एक्स जीरो होगा, या तीन से बड़ा ही होगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं और मैं इसको लिखूँ वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री, तब क्या होता है, देखिए अब इसमें डोमेन रेंज बदल जाती है। डोमेन इसका क्या है कि आप वो वैल्यू एक्स की डाल सकते हैं जिसके लिए ये अंडर रूट एक्स माइनस थ्री लॉजिकल हो। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें अगर कोई भी वैल्यू ऐसी डाल दी जाए जिससे अंडर रूट नेगेटिव में आ जाए तो ये मान्य नहीं है, तो हम एक्स की वैल्यू वो दे सकते हैं या तो वो तीन हो, क्योंकि अंडर रूट तीन माइनस तीन क्या होता है, तीन माइनस तीन अंडर रूट जीरो होगा, तो ठीक है, या तीन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तीन से कम हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और अब देखिएगा कि वाई की रेंज कैसे, वाई का रेंज क्या आएगी, जो भी वैल्यू आप यहाँ डालते रहेंगे, देखिए अगर आपने यहाँ पर थ्री डाला तो जीरो होगा, अदरवाइज हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वाई बिलोंग्स टू आर, वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का कभी जीरो से कम नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जीरो के नीचे अमान्य है। एक और फंक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स निकालना है, यहाँ पर आपको कभी कभी ये दिया जा सकता है कि एच एक्स है, तो इसे कन्फ्यूज ना हो, एच एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर है, तो स्टेप्स नहीं चलेंगे, स्टेप्स इस तरीके से चलेंगे, इस एच एक्स को आपको वाई मानना है, और उसके बाद वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना है। अब वाई को आइसोलेट करना है, तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई प्लस फोर हो जाएगा, फोर को इधर ले जा लीजिए, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यही आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसमें वाई को एच इनवर्स एक्स लिख दीजिए, एच इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यही आपका उत्तर है। और डोमेन और रेंज करने की बात करें तो अब देखिए किस तरीके से डोमेन रेंज चेंज होती है, पहले इस फंक्शन की बात करता हूँ। इसका डोमेन ये है कि हम एक्स में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिससे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो हमेशा एक्स जो होगा या तो माइनस चार होगा, क्योंकि माइनस चार देने पर जीरो आएगा, या उससे ऊपर होगा, तो एक्स माइनस चार या उससे ऊपर होगा, एक्स रियल नंबर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं वाई की बात करूँ, अगर मैं इसको वाई कह दूँ, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर, तो वाई में हमेशा जैसे पहले डिस्कशन किया था, हमेशा अंडर रूट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ या तो जीरो होगी या उससे ऊपर आएगी, तो या जीरो होगा या उससे ऊपर होगा। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका डोमेन रेंज क्या है, डोमेन रेंज देखिए, डोमेन तो एक्स में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ जो वाई की वैल्यू आएगी उसे रेंज कहते हैं, जब एक्स की वैल्यू डालने पर जो वाई वाई की रेंज की वैल्यू आती है उसे हम रेंज कहते हैं। देखिएगा वाई की रेंज ये होगी, अगर मैं इसको जीरो भी कर दूँ तो माइनस चार तो आएगा ही आएगा, तो हमेशा माइनस चार से ऊपर रहेगा, बस ये इसका वाई बिलोंग्स टू आर, और वाई हमेशा माइनस चार से ऊपर रहेगा। आपको इन्वर्स निकालना है एफ एक्स का, मतलब एफ इन्वर्स एक्स फंक्शन निकालना है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है,
इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपके पास है और अगर इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो कितना आसान हो जाएगा इसका निकालना आपका इन्वर्स। अब समझिएगा इसको, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको x माइनस एच होल स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो x हमें अलग से चाहिए, तो अलग से चाहिए इसका मतलब ये 2x स्क्वायर प्लस 16x से हम 2 बाहर ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 8x, अब हमारे पास x का फॉर्म आ गया। लेकिन अभी अभी x x स्क्वायर प्लस 8x आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 8 को, इस 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया 4, इसको स्क्वायर करेंगे आएगा 16, इसी 16 को जोड़ेंगे घटाएंगे, इसी 16 को जोड़ दिया, इसी 16 को घटा दिया। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये होता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 बाहर तो था, तो 2 माइनस 16 हो गया माइनस 32, ये 29 आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए माइनस 3 आ गया, यानी कि ये हो गया 2x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 3। देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए इसको 3 को यहाँ ले जाएंगे और उसके बाद 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 भी है हमारे पास, वाई प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक हमारा 2 भी हट गया, वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, दोनों साइड आप मतलब यहाँ पर अंडर रूट ले जा रही है, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, जैसे ही अंडर रूट आएगा यहाँ प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, वाई प्लस 4 आपका जो है ये स्क्वायर नहीं है, वाई प्लस 4 आपका ये आ गया, 4 को इधर ले लीजिए, यानी कि वाई आ गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस थ्री बाई 2 माइनस 4। अब देखिए ये जो y आया है आपका प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 बाई 2 माइनस 4, यही आपका f इनवर्स x है, राइट। अब देखिएगा इसमें केवल एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, कि यहाँ पर आपका x प्लस 3 है, या x प्लस 3 बाई 2 कह लीजिए या x प्लस 3 कह लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू मान्य है, बेसिक चीज़ है। तो f इनवर्स x की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकता इसके अंदर जिसे नेगेटिव हो जाए। तो अगर मैं इसका डोमेन की बात करूँ तो y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होना चाहिए, राइट। इसकी इसकी मैं बात करूँ, ये x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, हमेशा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होना चाहिए, वरना ये अमान्य हो जाएगा। और रेंज क्या है इसकी, रेंज क्या है, ये y है, तो ये तो बिलोंग टू r है, जो भी वैल्यू डालते रहे आप r में आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस फंक्शन की बात करें इस जगह की, तो आप x में कोई वैल्यू डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी डोमेन तो अभी आपकी r, ठीक। लेकिन यहाँ अगर इसको देखें इस जगह पे, तो अगर इसको जीरो भी कर दें तो माइनस 3 तो आएगा ही आएगा, तो y से y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होगा, ये आपका रेंज हो गया। जो कॉस्ट है, यानी कि जो पैसा लग रहा है रेंट करने के लिए कार का एक दिन के लिए, जो फ्लैट रेट अप $40, उसके अलावा $0.10 लगता है हर किलोमीटर के लिए। तो आप मान लीजिए $8 है जो टोटल रेंट है कॉस्ट, और डी किलोमीटर डिस्टेंस है, आपको एक फंक्शन आर डी, जो मतलब ये रेट और डिस्टेंस का एक फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करना है, टोटल कॉस्ट कितना होगा एक दिन के रेंटल के लिए, और इन्वर्स निकालना है, आपको इन्वर्स क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बताना है, और एग्जाम्पल भी बताना है क्या ये इन्वर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि 40 का फ्लैट रेट है तो आएगा ही आएगा, प्लस जितना डिस्टेंस चले और 0.10 हर डिस्टेंस के हिसाब से, तो आपका आर डी हो गया 0.10 डी प्लस 40। ये $8 है फंक्शन किसका, डी किलोमीटर्स का, जो $8 है ये फंक्शन डी किलोमीटर्स का, इसका इन्वर्स का मतलब ये है कि आप डी किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं $8, बस इतना समझ लीजिए, आर इन्वर्स डी, इसको हम डी आर लिख सकते हैं, यही आपका इन्वर्स है। इसका इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, वही तरीका करेंगे, सबसे पहले इस आर डी को वाई लिख लेंगे, उसके बाद वाई को एक्स लिख देंगे, एक्स को वाई लिख देंगे। अब आपको वाई को आइसोलेट करना है तो 40 को इधर ले जा लीजिए, एक्स माइनस 40 हो गया, दोनों उस साइड को डिवाइड कर दीजिए 0.10 से, तो आपका वाई हो गया एक्स माइनस 40 बाई 0.10, यही आपका इन्वर्स हो गया, मतलब ये डी आर लिख सकते हैं। इन्वर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बता रहा है कितने किलोमीटर कितने डॉलर में आप चला पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये है कि कितना पैसा है आपके पास, उससे आप पता लगा सकते हैं कितने किलोमीटर आप ड्राइव कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। तो मोस्टली हमने क्वेश्चन से समझने की कोशिश की कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं और क्या क्या किस किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।